देखिए, 12th क्लास ऑफिशियल लेटर हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो है बिजनेस लेटर के बाद ऑफिशियल लेटर आता है। तो राइट ए लेटर टू द लॉस्ट एंड फाउंड प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट, रेलवे स्टेशन अजमेर। आपको एक पत्र लिखना है लॉस्ट एंड फाउंड प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट, रेलवे स्टेशन अजमेर को, रिक्वेस्टिंग, प्रार्थना करते हुए हिम उनसे टू लुक फॉर कि ढूंढे आपका सूटकेस जो आपने छोड़ दिया था। यू लेफ्ट इन कच्चीगुड़ा एक्सप्रेस ऑन, कब छोड़ दिया था, छूट गया या छोड़ दिया, 2 जुलाई 2020 इन कोच नंबर F15। आंसर देने का तरीका, सबसे पहले आपका पता आएगा, ठीक है, उसके बाद जगह छोड़िए, एक लाइन छोड़िए, फिर आप डेट लिखिए, डेट लिखने के बाद फिर एक जगह एक लाइन छोड़िए। द इंचार्ज लॉस्ट एंड फाउंड प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट, रेलवे स्टेशन अजमेर। उसके बाद लाइन जो है सब्जेक्ट लिखिए, टू मेक इंक्वायरी, पूछताछ के लिए, फॉर द लॉस्ट सूटकेस। सर आई ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि आई रीच्ड अजमेर 2 जुलाई 2020, कि मैं 2 जुलाई 2020 को अजमेर पहुँचा लगभग 9 बजे शाम रात को बाई काचीगुड़ा एक्सप्रेस से। आई वॉज ट्रेवलिंग इन कोच नंबर F15, मैं F15 कोच में यात्रा कर रहा था। आई फॉरगॉट माई VIP सूटकेस इन द कोच, और मैं VIP सूटकेस जो है मेरा उसमें भूल गया। आई नोटिस्ड, मैंने ध्यान दिया, आफ्टर डिपार्चिंग द ट्रेन, ट्रेन जाने के बाद, द सूटकेस कलर इज ब्राउन, सूटकेस का जो कलर है वो ब्राउन है, एंड माई नेम इज़ रिटन ऑन इट, और मेरा नाम इस पर लिखा हुआ है। प्लीज़ ट्राई टू लुक फॉर, कृपया खोजने की कोशिश करें मेरे सूटकेस को, माई सूटकेस, एंड इन्फॉर्म और सूचित करें जितना जल्दी संभव हो सके, एज मच एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा संभव हो सके सूचित करें। थैंकिंग यू, लाइन छोड़ने के बाद, देन योवर्स फेथफुली, नेम अंकित सैनी। तो ये हो गया आपके एक ऑफिशियल लेटर। मॉर्निंग हाजी, आपके सामने एक और ऑफिशियल लेटर की एप्लीकेशन, ये एक लेटर है, मगर ऑफिशियल लेटर है, इसको हम एप्लीकेशन बोलते हैं। कि राइट ए कंप्लीट लेटर के लिए, कि राइट ए लेटर टू द कलेक्टर, कलेक्टर को एक पत्र लिखो आपके डिस्ट्रिक्ट, जिला कलेक्टर को, जिला कंप्लेनिंग अबाउट, किसके बारे में आप शिकायत कर रहे हैं, इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये आपका यहाँ से इधर से लेकर इधर तक आपका सब्जेक्ट। तो कंप्लेन कर रहे हैं हम, ये आपका एड्रेस होगा, यहाँ पर एक लाइन जोड़ेंगे आप, ठीक है, फिर एक लाइन जोड़ेंगे डेट लिखने के बाद, फिर ये तीनों बिना लाइन जोड़े कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट हाउस है, तो फिर इधर एक लाइन जोड़ना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है यहीं से, इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आर टाउन, ठीक है, फिर लाइन जोड़ना सर, फिर डायरेक्ट इधर से लिखेंगे इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत की जो इरेगुलर लगातार नहीं हो रही है पूर्ति, किसकी, विद्युत की, हमारे शिवगंज यानी शिवगंज गांव में, और इस गेटिंग जो कि कारण बन रहा है एस विदाना इनकन्वीनियंस का टू रेजिडेंट्स, वहाँ के निवासियों का, वहाँ के निवासियों को, निवासियों को एस विदा का कारण बन रहा है क्या, इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन शिवगंज गांव। देखिए द कंप्लेन इन रिटर्न, यानी लिखित में शिकायत वाज मेड, दी गई थी टू द INRVDL शिवगंज को, तब दी गई थी ऑन 11/1/2020, बट नो रेस्पॉन्स, कोई प्रतिक्रिया नहीं है,
स्ट्रिक्ट एक्शन तुरंत इमीडिएटली तुरंत एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। लाइन छोड़कर थैंकिंग यू फिर लाइन छोड़कर योर फेथफुली बिना लाइन छोड़े ललित गुप्ता। इस प्रकार से आपको एक कंप्लेंट लेटर लिखना है। देखिए जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा है कि राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ क्लासरूम। तो ये आपका पता है उसी प्रकार से यहाँ तक आपको समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। पुअर कंडीशन ऑफ क्लासरूम आपको सब्जेक्ट जो है प्रश्न से ही मिलेगा। सर आई रेस्पेक्टफुली आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस कि आदर पूर्वक मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जो कंडीशन है ऑफ आर क्लासरूम हमारे क्लासरूम की इज़ वेरी पुअर। आई हैव मेड नोटिस ऑफ पियोन स्वीपर्स एंड कोऑर्डिनेटर सर मैंने इनके बारे में ध्यान दिलाया है। तीन पियोन को दिला दिया स्वीपर्स को दिला दिया कोऑर्डिनेटर को दिला दिया बट देर इज़ नो रिएक्शन फ्रॉम देम उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। All student have to sit on dusty chairs कि सभी विद्यार्थियों को dusty chairs पर बैठना पड़ता है। And the floor of the classroom is even unclean जो floor है वो भी सफाई वो भी अस्वच्छ है unclean है। और garbage is spreaded down all over the room जो कचरा है वो चारों ओर फैला हुआ है। I request you मैं आपसे इस प्रकार प्रार्थना करता हूँ To look into the matter, इस मामले में आप ध्यान दें and do some needful कोई आवश्यक कदम उठाएं and thanking you, yours faithfully, your obediently, sorry, यदि प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो obediently ही लिखें faithfully ना लिखें। नितिन मीणा हेड बॉय। ठीक है तो ये आपका हो गया एक तीसरी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है।